अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रावलपिंडी रोड कुहाड़ पे इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर एक नया प्लाजा बन रहा है, नया टावर बन रहा है, हमदान टावर जो है, हमदान मार्केट भी इसको कहा जा सकता है, बन रही है। हमदान मार्केट के जो ऑनर हैं हम उनसे भी मिलेंगे, वो ये सारा हम आपको आज ये बताएंगे कि हमदान टावर में कितनी दुकानें हैं, कितने ऑफिस हैं, ऊपर पोर्शन में, लोअर पोर्शन में और बेसमेंट में। और यहाँ पे ये बकायदा तौर पे ये बराए फरोख्त हैं, ये सारे फॉर सेल हैं। तो इसी वाले से अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब शाह साहब? हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त इस जो प्लाजे के, इस टावर के, इस मार्केट के जो ऑनर हैं पीर कामरान शाह साहब, ये प्रॉपर्टी के काम में एक अरसा से जो है वो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपकी मार्केट बन रही है, जी ठीक है, इस हवाले से सारा बताएं, हमें दिखाएं, पूरी मार्केट दिखाएं और इसकी जो है वो हम अवाम को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आए और खरीदें। इसमें आके इस मार्केट में दुकानें बन रही हैं, दफातर बन रहे हैं, तो वो दुकानें छोटा सा यूनिट है, 20x20, तो ये बिल्कुल पिंडी रोड पे और ये फ्रंट पे, तो ये हमारा हमदान मार्केट इंशाल्लाह कोहाट के लिए बहुत बड़ा, जो इन्वेस्टर हजरात से हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा मौका है कि यहाँ पे ख़रीदारी करें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि कोहाट तरक्की करे, कोहाट में ऐसे प्लाजे बन जाए, ऐसे मार्केट बन जाए कि और दूसरी शहरों के मद्दे मुकाबले आ जाए, जैसे पेशावर, चारसदा, मर्दान, स्वात, तो इसके मद्दे मुकाबले आ जाए। तो हम चाहते हैं कि कोहाट तरक्की करें। अच्छा पीर साहब, इसकी जो कीमतें हैं, वैसे तो प्रॉपर्टी की कीमतें हर जगह पे बहुत ज़्यादा आ गई, आप हर जगह पे दुकानें हैं, आप यहाँ पे इनकी कीमतें कोई कम रखेंगे, क्या रखेंगे, या फिर कोई एक साथ के में रखेंगे? जी यहाँ पे बिल्कुल मुनासिब कीमतें हैं, और क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो भी फ़ायदा उठाएं, तो उनके लिए भी फ़ायदा है, और कीमतें बिल्कुल मुनासिब हमने रखे हुए हैं। जो हमारे पार्टनर है, जो हमारे इसमें जो हमारे जो दोस्त हैं वो शरीक हैं, तो उनसे मशावरत करके हमने बिल्कुल मुनासिब कीमतें रखे हैं। ठीक है, हाँ। तो और भी हमें कुछ, ये हाँ, जो बेसमेंट में दुकानें हैं इनके बारे में बताइएगा। ये बेसमेंट है और इसमें भी शॉप्स हैं, तो हाँ इंशाल्लाह। तो अच्छा, बेसमेंट हाँ, की तो वैसे बात करते हैं जी, बेसमेंट की तो वैसे भी जो है वो कीमत कुछ अपर पोर्शन से कम होती है ना? हाँ हाँ, अपर पोर्शन से कम होती है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल, ज़्यादातर तो यहाँ पे जो मार्केट्स हैं इसमें पहली ज़्यादातर चीज़ें क्या देखने में आएंगी, यहाँ पे कौन सी शॉप चल सकती है, कौन सी मार्केट ज़्यादा चल सकती है इस रोड के ऊपर, वो लोगों को थोड़ा सा आगाह कीजिए। यहाँ पे अक्सर ये यहाँ पे इंशाल्लाह बेकरी वाले आएंगे और फर्नीचर वाले आएंगे, कपड़े वाले आएंगे और मेडिकल स्टोर वाले आएंगे इंशाल्लाह, इससे रिलेटेड इंशाल्लाह जो भी हो, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम देखेंगे कि ये किस चीज़ के लिए मौजू है, तो उसके मुताबिक चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है वो भी चाहती है कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये इसको एक इंडस्ट्री की शक्ल जो है वो मौजूदा हुकूमत ने दे दी है, और उनका मकसद ये है कि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। पीर कामरान शाह साहब ये प्रॉपर्टी एसोसिएशन के जो हैं वो कोहाट के सदर भी हैं, बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे मसाइल भी हल किए हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, गाहे बगाहे जो है वो हम इनसे मिलते रहते हैं, यहाँ पे इन्होंने एक बहुत अच्छा काम भी किया है, इनसे ही जानेंगे। यहाँ पे जो है ना जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके बाकायदा तौर पर लाइसेंस है, जितनी भी यूनियंस हैं इनके अंडर आता है पूरे लाहौर के अंदर, पूरे कोहाट के अंदर, तो इस हवाले से हम पीर साहब से बात करेंगे। शाह जी ये बताइएगा कि आप कोहाट प्रॉपर्टी एसोसिएशन के जो हैं वो सदर भी हैं, तो इस हवाले से प्रॉपर्टी का जो इस वक्त कारोबार है, प्रॉपर्टी को एक जो है वो इंडस्ट्री का जो है वो दर्जा दे दिया गया है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, और वैसे भी देखा जाए तो ये एक इंडस्ट्री है, तो कोई देखते हैं आप यहाँ पे कोई ऐसी हडल तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है प्रॉपर्टी डीलर्स को, या जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उनको, कोई भी अगर आपके इसमें कोई मसाइल हैं तो वो भी बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है जिसकी वजह से लोगों के करोड़ों रुपए बंद है, और जिसकी वजह से झगड़े पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से अमवात हुए हैं, तो ये कोहाट के लिए बहुत बड़ा मसला है। तो मैं इंतज़ामिया से, हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो इंतकाल बंद हुए हैं, जिन मौजों का इंतकाल बंद, तो मेहरबानी करके मैं इसे रिक्वेस्ट करता हूँ इंतज़ामिया से कि वो इंतकाल
ओपन हो जाए, वो इंतकालात खुल जाएँ, क्योंकि इससे बहुत सारे झगड़े पैदा हुए हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। शाहजी, वो अगर हुकूमत तो इस झगड़े को मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही करना चाहती है, अगर वो कंप्यूटराइजेशन में चले गए हैं, तो आप ये नहीं देखते कि उसमें कोई रिश्वत में कमी आएगी, जो पटवार कल्चर है उसका खात्मा होगा? जी बिल्कुल, रिश्वत में कमी भी आ जाएगी, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट, उस दिन मैं कमिश्नर साहब से भी मिला था, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि एक मौजा खोल दें, एक मौजा तकरीबन 50% या तीन महीने में एक दफ़ा इंतकालात का दौरा रखें, तो इससे हमारे मुश्किलात भी आसान हो जाएंगे। तो हमने ये मशवरा दिया है एसोसिएशन की तरफ से कि बिल्कुल कम्प्लीटली इसको बंद ना किया जाए, जो पुराना रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर के अंदर, वो कंप्यूटर में फिक्स करें, वो कंप्यूटराइज हो जाए, तो मुकम्मल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर अच्छा, इस वक्त कुहाड़ में इंतकालात मुकम्मल तौर पर बंद हैं? एक दो मौजा खुलें, और जो जिससे जिस मौजा से हुकूमत को, रेवेन्यू को, ख़जाने को बहुत बड़ा फ़ायदा हो, वो बंद है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो मौज़े जिनसे आमदन अच्छी हो हुकूमत से, रेवेन्यू को, तो वो ओपन हो जाए। तो यकीन करें कि जब इंतकालात खुले थे तो उस वक्त रेवेन्यू को 5 करोड़ का सालाना, 5 करोड़ रुपये रेवेन्यू को आते, लेकिन जब से इंतकालात बंद हुए सिर्फ 94 लाख रुपए रेवेन्यू को आए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, आवाम का भी नुकसान है और हुकूमत को भी नुकसान है, रेवेन्यू को भी नुकसान है। आप क्या समझते हैं कि इस ये हुकूमत का भी नुकसान हो रहा है, ये आवाम का भी नुकसान हो रहा है, इस नुकसान के अंदर कौन से लोग हैं जो मुलव्वस है? हालांकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुली छूट दी हुई है कि ये जो काम है इसको जो है वो बहुत ज़्यादा फैलना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, और कंस्ट्रक्शन के काम के जो साथ अगर देखा जाए तो पटवारी का सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। जब तक कि आपका इंतकाल दर्ज नहीं होगा, आपको फ़र्द नहीं मिलेगी, सारे मामला कागजी मामला क्लियर नहीं होंगे, ज़मीन का सबसे पहला मसला ही जो है वो उसका इंतकाल चेक किया जाता है, ठीक है। अगर इंतकाल उसका इंदराज नहीं है तो वहाँ पर काम शुरू करना बड़ा मसला होता है, ठीक है। तो क्या समझते हैं ये किस तरह मसला हल होगा? तो ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये हुकूमत और इंतज़ामिया का काम है, ठीक है ना, कि ये इंतकालात ओपन, ये भी अच्छे के कंप्यूटराइज हो जाए, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो वो है, तो हम मशवरा देंगे कि अगर एक मौज़ा है, ठीक है ना, तो पहले एक महीने में एक दौरा हुआ करता इंतकालात का, अब बेशक 3 महीने के बाद रखते, लेकिन पिछले जो वो 3 महीने के अंदर तकरीबन 40-50% जो उसका रिकॉर्ड है, तो वो अंदर, तो वो कंप्यूटराइज हो जाए, तो मुकम्मल बंद ना किया जाए, 3 महीने में एक दौरा रखें, जिससे आवाम को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, हुकूमत को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए जी, प्रॉपर्टी इस मुल्क में जो प्रॉपर्टी का कारोबार है इस वक्त जो है वो रीढ़ की हड्डी का मकाम है। अब जो है वो यहाँ पे हज़ारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की जो है ना वो रोज़गार इससे मुंसलिक है। मजदूर एक काम करता है, गरीब आदमी काम करता है, तो उसका जो है वो इसके साथ रिजक मुंसलिक है। ठेकेदार काम करता है, और ठेकेदार के साथ साथ कोई मिस्त्री होते हैं, कोई और बहुत सारे लोग इसके साथ, इस रोज़गार के साथ मुंसलिक होते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी नौकरियां नहीं हैं इस मुल्क में। तो हमें कम से कम जो है वो एक ये हुकूमत को चाहिए कि पहले वज़ीर आज़म ने तो कह दिया, आगे इंतज़ामिया का काम है, कुछ इंतज़ामी नाहलियों की वजह से जो है वो बेरोज़गारी में इजाफा होता है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस मामले में जो है वो किसी किस्म का जो है वो लोगों को शिकायत ना हो, और गरीब का रोज़गार जो चले, ये लोग पैसे लगाएंगे तो गरीब का रोज़गार चलेगा, ये काम करने वाले लोग इनके पास आएंगे, फिर बेरोज़गारी ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो उसके साथ साथ जो है फिर जरैम में भी कमी आएगी। शाह जी क्या देखते हैं, ये मैंने जो कहा अगर बेरोज़गारी ख़त्म होती है तो जरैम में कमी भी तो वाकया हो सकती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो 100% सही बात है कि जिस कम्युनिटी में, जिस मुल्क में रोज़गार ज़्यादा हो, बेरोज़गारी ना हो, तो जाहिर बात है कि वहाँ पे कोई जरम नहीं होगा, वहाँ पे सुकून होगा, राहत होगी, ज़िंदगी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगी, ठीक है। हाँ, कोई पैगाम देना चाहें आप मौजूदा हुकूमत को, मज़ीद कोई पैगाम देना चाहें इस कारोबार के फ़रोग़ के हवाले से मौजूदा हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को पैगाम देना चाहें, क्योंकि ये जो इलाका है, पसमानदा इलाके जो है इसके आस पास हैं, अगर आप यहाँ पर काम चलेगा तो मेरा ख्याल है कि इस पसमानदा इलाके वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर आके मजदूरी करेंगे। कोई ऐसा पैगाम दें, कोई अपने तजुर्बात भी जो है वो भी शेयर करें। जी बिल्कुल, कोहाट और शहरों के मुकाबले में पसमानदा है, ये बात हकीकत है, ठीक है। हम चाहते हैं कि कोहाट भी थोड़ा सा
तरक्की करें और शहरों जो तरक्की याफ्ता शहर हैं हमारे पाकिस्तान के, जैसे पेशावर, मर्दान, चरसदा, इस्लामाबाद, कम अज़ कम इसके मद मुकाबल आ जाए। तो कोहाद वाकई इस वक्त पसमानदा इलाकों में आता है, ना इसमें कोई ना कोई बड़ा अस्पताल है, ना कोई बड़ा पार्क है जिसमें छोटे बच्चे जो फैमिली आसानी के साथ जा सकें, ना अभी तक ना मैंने कोहाट में अंडर पास देखा है, ना कोई फ्लाई ओवर देखा है, ना मेट्रो देखी है। तो इस वजह से अगर आप सोचें तो कोहाट और शहरों के मुकाबले में बहुत ही पीछे है। देखिए ये बिल्कुल पीर कामरान शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, ट्रैफिक का मसला जो है ना ये बहुत बड़ा मसला है। ट्रैफिक के फंसे में, ट्रैफिक के अंदर जो है ना लोगों की कई दफ़ा जानें भी चली जाती हैं। बास दफ़ा लोग मरीज़ होते हैं लेकिन आगे से जो है वो उनको रास्ता नहीं मिल रहा होता, तो कई मरीज़ जो है वो बहुत सारा परेशानी में मुतला होते हैं। बास दफ़ा किसी की मौत भी हो सकती है। तो इंतज़ामिया, ट्रैफिक और जितने भी लोग हैं उनको ये चाहिए कि जब भी जो रास्ते में बिल्डिंग्स हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी वजह से जो है वो तजावजात होती हैं, उनका भी जो है वो ख्याल करें और अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाएँ, ट्रैफिक के मसाइल को हल करें। तो इस तरफ जो है वो हुकूमत की भी तवज्जो होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं, फरहान अहमद बंगश, उनसे भी हम जो है वो बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो है वो इस इलाके से रिपोर्ट करते रहते हैं। मैं इनसे बात करूँगा। फरहान, सबसे बड़ा मसला अगर देखा जाए तो हर कारोबार के साथ जो है वो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला है, आप किस तरह से इसको देखते हैं? ना, ट्रैफिक का मसला तो कोहाट में बहुत ज़्यादा है, लेकिन असल बात जो है कि इनको किसी ने बताया नहीं है। अब जबकि यूनियन बनी है, यूनियन के सदर आए हैं, यूनियन की कैबिना आई है, तो इन्होंने काफ़ी मसाइल इन्होंने हल किए हैं प्रॉपर्टी के। अक्सर जिनके लाइसेंस नहीं थे उनके लाइसेंस भी बनाए हैं, जो मसले मसाइल चल रहे थे लोगों के वो इन्होंने हल किए हैं। तो इस तरह यही जो मुहिम है इनमें शऊर जो है उजागर करेंगे, इनमें जिधर भी कंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर नीचे पार्किंग की जगह भी बनेगी। दूसरा, इस यूनियन का अहम किरदार है यहाँ पर, प्रॉपर्टी एसोसिएशन के अक्सर यहाँ पर, जैसे इन्होंने बड़ी बात की इंतकाल की, इंतकालात बंद हैं, कंप्यूटर का कोई मसला नहीं है यहाँ पे कि कंप्यूटर क्यों हो रहा है, कंप्यूटराइज हो सिस्टम लेकिन फैसिलिटी आवाम को भी मिले। यहाँ पर अक्सर हम साफ़ी हैं ये तो देखते हैं कि अक्सर यहाँ पर किसी का इंतकाल, किसी ने एक ज़मीन फरोख कर दी है, अब ज़मीन फरोख्त होगी है मालिक और जो खरीद कुनिंदा है, ख़रीदने वाला, मसला क्या दरपेश है? मसला ये दरपेश है खरीद कुनिंदा अब उसको कहते हैं कि मुझे इंतकाल करके दो तो मैं बकाया पेमेंट आपको दूंगा। अब दो करोड़ में किसी ने सौदा किया है, उसका एक करोड़ उसके पास वसूल है, और पिछले डेढ़ दो तीन तो साल पटवारी को भी तो हिस्सा दे ना फिर डेढ़ दो पटवारी की तो अलग बात है वो अलग रिपोर्ट होगी उस पर लेकिन यहाँ पर लोगों के काफ़ी पैसे फंसे हुए। मेरी बात का क्यों ये मामले को लटकाते हैं? रिश्वत के लिए ही लटकाते हैं, जाहिर है और तो कोई मसला नहीं होता ना। वो तो अब एंटी करप्शन का काम है, या कोई ऐसी रिपोर्ट हमें मिले जो शवायद हमारे पास मौजूद हों तो मैं उस पर रिपोर्ट चलाऊँ या हम उस पर रिपोर्ट चलाएँ। शवायद के बगैर तो मीडिया किस काम की भी नहीं है, मीडिया के पास शवायद होते हैं तो उस पर खबर चलाते हैं। कि हर तबका जो है वो इस तरह के लोग अगर कारोबार करेंगे, ये बिल्डिंग्स का काम शुरू होगा तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार, आर्किटेक्ट इसमें आएंगे, इंजीनियर जो है उनका जो है वो काम चलेगा, इसके साथ ये जो वेल्डिंग वाले लोग हैं इनका काम चलेगा, इसके साथ ये जो प्लम्बर हजरात हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनका रोज़गार इससे मुंसलिक है। तो इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कामरान शाह साहब जो हैं, लाहौर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का काम है, बहुत अरूज भी रहा है, कभी जवाल भी, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना वो एक तरीका बिल्कुल अलहदा से देखा है। यहाँ पे इन्होंने जो है ना वो पूरा एक रजिस्ट्रेशन जो करवाई है, मैं इससे बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ कि रजिस्ट्रेशन से फ़ायदा ये होता है कि ये इनको पता है कोई दो नंबर बंदा जो है वो किसी के पैसे लेकर नहीं भागेगा।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रावलपिंडी रोड कुहाट पे इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर एक नया प्लाजा बन रहा है, नया टावर बन रहा है, हमदान टावर जो है, हमदान मार्केट भी इसको कहा जा सकता है, बन रही है। हमदान मार्केट के जो ऑनर हैं हम उनसे भी मिलेंगे, वो ये सारा हम आपको आज ये बताएंगे कि हमदान टावर में कितनी दुकानें हैं, कितने ऑफिस हैं, ऊपर पोर्शन में, लोअर पोर्शन में और बेसमेंट में। और यहाँ पे ये बकायदा तौर पे ये बराए फरोख्त हैं, ये सारे फॉर सेल हैं। तो इसी वाले से अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जनाब शाह साहब? हमारे साथ यहाँ पे इस वक्त इस जो प्लाजे के, इस टावर के, इस मार्केट के जो ऑनर हैं पीर कामरान शाह साहब, ये प्रॉपर्टी के काम में एक अरसा से जो है वो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब, ये बताइएगा कि ये जो आपकी मार्केट बन रही है, जी ठीक है, इस हवाले से सारा बताएं, हमें दिखाएं, पूरी मार्केट दिखाएं और इसकी जो है वो हम अवाम को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे आए और खरीदें। इसमें आके इस मार्केट में दुकानें बन रही हैं, दफातर बन रहे हैं, तो वो दुकानें छोटा सा यूनिट है 20x20, तो ये बिल्कुल पिंडी रोड पे और ये फ्रंट पे, तो ये हमारा हमदान मार्केट इंशाल्लाह कोहाट के लिए बहुत बड़ा, जो इन्वेस्टर हजरात से हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा मौका है कि यहाँ पे ख़रीदारी करें, यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और हमारा जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि कोहाट तरक्की करे, कोहाट में ऐसे प्लाजे बन जाए, ऐसे मार्केट बन जाए कि और दूसरी शहरों के मद्दे मुकाबले आ जाए, जैसे पेशावर, चारसदा, मर्दान, स्वात, तो इसके मद्दे मुकाबले आ जाए। तो हम चाहते हैं कि कोहाट तरक्की करें। अच्छा पीर साहब, इसकी जो कीमतें हैं, वैसे तो प्रॉपर्टी की कीमतें हर जगह पे बहुत ज़्यादा आ गई, आप हर जगह पे दुकानें हैं, आप यहाँ पे इनकी कीमतें कोई कम रखेंगे, क्या रखेंगे, या फिर कोई एक साथ के में रखेंगे? जी यहाँ पे बिल्कुल मुनासिब कीमतें हैं, और क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो भी फ़ायदा उठाएं, तो उनके लिए भी फ़ायदा है, और कीमतें बिल्कुल मुनासिब हमने रखे हुए हैं। जो हमारे पार्टनर है, जो हमारे इसमें जो हमारे जो दोस्त हैं वो शरीक हैं, तो उनसे मशावरत करके हमने बिल्कुल मुनासिब कीमतें रखे हैं। ठीक है, हाँ। तो और भी हमें कुछ, ये हाँ, जो बेसमेंट में दुकानें हैं इनके बारे में बताइएगा। ये बेसमेंट है और इसमें भी शॉप्स हैं, तो हाँ इंशाल्लाह। तो अच्छा, बेसमेंट हाँ, की तो वैसे बात करते हैं जी, बेसमेंट की तो वैसे भी जो है वो कीमत कुछ अपर पोर्शन से कम होती है ना? हाँ हाँ, अपर पोर्शन से कम होती है, बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। ज़्यादातर तो यहाँ पे जो मार्केट्स हैं इसमें पहली ज़्यादातर चीज़ें क्या देखने में आएंगी, यहाँ पे कौन सी शॉप चल सकती है, कौन सी मार्केट ज़्यादा चल सकती है इस रोड के ऊपर, वो लोगों को थोड़ा सा आगाह कीजिए। यहाँ पे अक्सर ये यहाँ पे इंशाल्लाह बेकरी वाले आएंगे और फर्नीचर वाले आएंगे, कपड़े वाले आएंगे और मेडिकल स्टोर वाले आएंगे इंशाल्लाह, इससे रिलेटेड इंशाल्लाह जो भी हो, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम देखेंगे कि ये किस चीज़ के लिए मौजू है, तो उसके मुताबिक चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो हुकूमत है वो भी चाहती है कि कंस्ट्रक्शन का काम जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये इसको एक इंडस्ट्री की शक्ल जो है वो मौजूदा हुकूमत ने दे दी है, और उनका मकसद ये है कि लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। पीर कामरान शाह साहब ये प्रॉपर्टी एसोसिएशन के जो हैं वो कोहाट के सदर भी हैं, बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे मसाइल भी हल किए हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, गाहे बगाहे जो है वो हम इनसे मिलते रहते हैं यहाँ पे, इन्होंने एक बहुत अच्छा काम भी किया है, इनसे ही जानेंगे। यहाँ पे जो है ना जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं उनके बाकायदा तौर पर लाइसेंस है, जितनी भी यूनियंस हैं इनके अंडर आता है पूरे लाहौर के अंदर, पूरे कोहाट के अंदर, तो इस हवाले से हम पीर साहब से बात करेंगे। शाह जी ये बताइएगा कि आप कोहाट प्रॉपर्टी एसोसिएशन के जो हैं वो सदर भी हैं, तो इस हवाले से प्रॉपर्टी का जो इस वक्त कारोबार है, प्रॉपर्टी को एक जो है वो इंडस्ट्री का जो है वो दर्जा दे दिया गया है मौजूदा हुकूमत की जानिब से, और वैसे भी देखा जाए तो ये एक इंडस्ट्री है, तो कोई देखते हैं आप यहाँ पे कोई ऐसी हडल तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है प्रॉपर्टी डीलर्स को, या जो कंस्ट्रक्शन कंपनियाँ हैं जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं उनको, कोई भी अगर आपके इसमें कोई मसाइल हैं तो वो भी बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है जिसकी वजह से लोगों के करोड़ों रुपए बंद है, और जिसकी वजह से झगड़े पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से अमवात हुए हैं, तो ये कोहाट के लिए बहुत बड़ा मसला है। तो मैं इंतज़ामिया से, हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि जो इंतकाल बंद हुए हैं, जिन मौजों का इंतकाल हुए, तो मेहरबानी करके मैं इसे रिक्वेस्ट करता हूँ इंतज़ामिया से कि वो इंतकाल
ओपन हो जाए, वो इंतकालात खुल जाएँ, क्योंकि इससे बहुत सारे झगड़े पैदा हुए हैं। ये बहुत बड़ा मसला है। शाजी, वो अगर हुकूमत तो इस झगड़े को मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही करना चाहती है, अगर वो कंप्यूटराइजेशन में चले गए हैं, तो आप ये नहीं देखते कि उसमें कोई रिश्वत में कमी आएगी, जो पटवार कल्चर है उसका खात्मा होगा? जी बिल्कुल, रिश्वत में कमी भी आ जाएगी, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट, उस दिन मैं कमिश्नर साहब से भी मिला था, तो उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि एक मौजा खोल दें, एक मौजा तकरीबन 50% या तीन महीने में एक दफ़ा इंतकालात का दौरा रखें, तो इससे हमारे मुश्किलात भी आसान हो जाएंगे। तो हमने ये मशवरा दिया है एसोसिएशन की तरफ से कि बिल्कुल कम्प्लीटली इसको बंद ना किया जाए, जो पुराना रिकॉर्ड है वो कंप्यूटर के अंदर, वो कंप्यूटर में फिक्स करें, वो कंप्यूटराइज हो जाए, तो मुकम्मल बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस पर अच्छा, इस वक्त कुहाड़ में इंतकालात मुकम्मल तौर पर बंद हैं? एक दो मौजा खुलें, और जो जिससे जिस मौजा से हुकूमत को, रेवेन्यू को, ख़जाने को बहुत बड़ा फ़ायदा हो, वो बंद है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो मौज़े जिनसे आमदन अच्छी हो हुकूमत से, रेवेन्यू को, तो वो ओपन हो जाए। तो यकीन करें कि जब इंतकालात खुले थे तो उस वक्त रेवेन्यू को 5 करोड़ का सालाना, 5 करोड़ रुपये रेवेन्यू को आते, लेकिन जब से इंतकालात बंद हुए सिर्फ 94 लाख रुपए रेवेन्यू को आए, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, आवाम का भी नुकसान है और हुकूमत को भी नुकसान है, रेवेन्यू को भी नुकसान है। आप क्या समझते हैं कि इस ये हुकूमत का भी नुकसान हो रहा है, ये आवाम का भी नुकसान हो रहा है, इस नुकसान के अंदर कौन से लोग हैं जो मुलव्वस है? हालांकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुली छूट दी हुई है कि ये जो काम है इसको जो है वो बहुत ज़्यादा फैलना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन का काम है, और कंस्ट्रक्शन के काम के जो साथ अगर देखा जाए तो पटवारी का सिस्टम बहुत ज़रूरी होता है। जब तक कि आपका इंतकाल दर्ज नहीं होगा, आपको फ़र्द नहीं मिलेगी, सारे मामला कागजी मामला क्लियर नहीं होंगे, ज़मीन का सबसे पहला मसला ही जो है वो उसका इंतकाल चेक किया जाता है, ठीक है। अगर इंतकाल उसका इंदराज नहीं है तो वहाँ पर काम शुरू करना बड़ा मसला होता है, ठीक है। तो क्या समझते हैं ये किस तरह मसला हल होगा? तो ये मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि ये हुकूमत और इंतज़ामिया का काम है, ठीक है ना, कि ये इंतकालात ओपन, ये भी अच्छे के कंप्यूटराइज हो जाए, लेकिन इसका सबसे बड़ा जो वो है, तो हम मशवरा देंगे कि अगर एक मौज़ा है, ठीक है ना, तो पहले एक महीने में एक दौरा हुआ करता इंतकालात का, अब बेशक 3 महीने के बाद रखते, लेकिन पिछले जो वो 3 महीने के अंदर तकरीबन 40-50% जो उसका रिकॉर्ड है, तो वो अंदर, तो वो कंप्यूटराइज हो जाए, तो मुकम्मल बंद ना किया जाए, 3 महीने में एक दौरा रखें, जिससे आवाम को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, हुकूमत को भी बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए जी, प्रॉपर्टी इस मुल्क में जो प्रॉपर्टी का कारोबार है इस वक्त जो है वो रीढ़ की हड्डी का मकाम है। अब जो है वो यहाँ पे हज़ारों लोगों की, सैकड़ों लोगों की जो है ना वो रोज़गार इससे मुंसलिक है। मजदूर एक काम करता है, गरीब आदमी काम करता है, तो उसका जो है वो इसके साथ रिजक मुंसलिक है। ठेकेदार काम करता है, और ठेकेदार के साथ साथ कोई मिस्त्री होते हैं, कोई और बहुत सारे लोग इसके साथ, इस रोज़गार के साथ मुंसलिक होते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी नौकरियां नहीं हैं इस मुल्क में। तो हमें कम से कम जो है वो एक ये हुकूमत को चाहिए कि पहले, वज़ीर आज़म ने तो कह दिया आगे इंतज़ामिया का काम है, कुछ इंतज़ामी नाहलियों की वजह से जो है वो बेरोज़गारी में इजाफा होता है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि इस मामले में जो है वो किसी किस्म का जो है वो लोगों को शिकायत ना हो, और गरीब का रोज़गार जो चले, ये लोग पैसे लगाएंगे तो गरीब का रोज़गार चलेगा, ये काम करने वाले लोग इनके पास आएंगे, फिर बेरोज़गारी ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी तो उसके साथ साथ जो है फिर जरैम में भी कमी आएगी। शाह जी क्या देखते हैं, ये मैंने जो कहा अगर बेरोज़गारी ख़त्म होती है तो जरैम में कमी भी तो वाकया हो सकती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो 100% सही बात है कि जिस कम्युनिटी में, जिस मुल्क में रोज़गार ज़्यादा हो, बेरोज़गारी ना हो, तो जाहिर बात है कि वहाँ पे कोई जरम नहीं होगा, वहाँ पे सुकून होगा, राहत होगी, ज़िंदगी आसानी से बहुत अच्छे तरीके से गुजरेगी, ठीक है। हाँ, कोई पैगाम देना चाहें आप मौजूदा हुकूमत को, मज़ीद कोई पैगाम देना चाहें इस कारोबार के फ़रोग़ के हवाले से मौजूदा हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर आला को पैगाम देना चाहें, क्योंकि ये जो इलाका है, पसमानदा इलाके जो है इसके आस पास हैं, अगर आप यहाँ पर काम चलेगा तो मेरा ख्याल है कि इस पसमानदा इलाके वाले लोग जो हैं वो यहाँ पर आके मजदूरी करेंगे। कोई ऐसा पैगाम दें, कोई अपने तजुर्बात भी जो है वो भी शेयर करें। जी बिल्कुल, कोहाट और शहरों के मुकाबले में पसमानदा है, ये बात हकीकत है, ठीक है। हम चाहते हैं कि कोहाट भी थोड़ा सा
तरक्की करें और शहरों जो तरक्की याफ्ता शहर हैं हमारे पाकिस्तान के, जैसे पेशावर, मर्दान, चरसदा, इस्लामाबाद, कम अज़ कम इसके मद मुकाबल आ जाए तो कोहाद वाकई इस वक्त पसमानदा इलाकों में आता है ना, इसमें कोई ना कोई बड़ा अस्पताल है, ना कोई बड़ा पार्क है जिसमें छोटे बच्चे जो फैमिली आसानी के साथ जा सकें, ना अभी तक ना मैंने कोहाट में अंडर पास देखा है, ना कोई फ्लाई ओवर देखा है, ना मेट्रो देखी है, तो इस वजह से अगर आप सोचें तो कोहाट और शहरों के मुकाबले में बहुत ही पीछे है। देखिए ये बिल्कुल पीर कामरान शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, ट्रैफिक का मसला जो है ना ये बहुत बड़ा मसला है, ट्रैफिक के फंसे में, ट्रैफिक के अंदर जो है ना लोगों की कई दफ़ा जानें भी चली जाती हैं, बास दफ़ा लोग मरीज़ होते हैं लेकिन आगे से जो है वो उनको रास्ता नहीं मिल रहा होता तो कई मरीज़ जो है वो बहुत सारा परेशानी में मुतला होते हैं, बास दफ़ा किसी की मौत भी हो सकती है। तो इंतज़ामिया, ट्रैफिक और जितने भी लोग हैं उनको ये चाहिए कि जब भी जो रास्ते में बिल्डिंग्स हैं, ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनकी वजह से जो है वो तजावजात होती हैं, उनका भी जो है वो ख्याल करें और अपनी जिम्मेदारियाँ ऐसे तरीके से निभाएँ, ट्रैफिक के मसाइल को हल करें, तो इस तरफ जो है वो हुकूमत की भी तवज्जो होनी चाहिए। यहाँ पे हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं, फरहान अहमद बंगश, उनसे भी हम जो है वो बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो है वो इस इलाके से रिपोर्ट करते रहते हैं, मैं इनसे बात करूँगा। फरहान, सबसे बड़ा मसला अगर देखा जाए तो हर कारोबार के साथ जो है वो ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा मसला है, आप किस तरह से इसको देखते हैं? ना, ट्रैफिक का मसला तो क्वार्ट में बहुत ज़्यादा है लेकिन असल बात जो है कि इनको किसी ने बताया नहीं है। अब जबकि यूनियन बनी है, यूनियन के सदर आए हैं, यूनियन की कैबिना आई है, तो इन्होंने काफ़ी मसाइल इन्होंने हल किए हैं प्रॉपर्टी के, अक्सर जिनके लाइसेंस नहीं थे उनके लाइसेंस भी बनाए हैं, जो मसले मसाइल चल रहे थे लोगों के वो इन्होंने हल किए हैं, तो इस तरह यही जो मुहिम है इनमें शऊर जो है उजागर करेंगे, इनमें जिधर भी कंस्ट्रक्शन होती है उसके अंदर नीचे पार्किंग की जगह भी बनेगी। दूसरा, इस यूनियन का अहम किरदार है यहाँ पर, प्रॉपर्टी एसोसिएशन के अक्सर यहाँ पर, जैसे इन्होंने बड़ी बात की इंतकाल की, इंतकालात बंद हैं, कंप्यूटर का कोई मसला नहीं है यहाँ पे कि कंप्यूटर क्यों हो रहा है, कंप्यूटराइज हो सिस्टम लेकिन फैसिलिटी आवाम को भी मिले। यहाँ पर अक्सर हम साफ़ी हैं ये तो देखते हैं कि अक्सर यहाँ पर किसी का इंतकाल, किसी ने एक ज़मीन फरोख कर दी है, अब ज़मीन फरोख्त होगी है मालिक और जो खरीद कुनिंदा है, ख़रीदने वाला, मसला क्या दरपेश है? मसला ये दरपेश है खरीद कुनिंदा अब उसको कहते हैं कि मुझे इंतकाल करके दो तो मैं बकाया पेमेंट आपको दूंगा। अब 2 करोड़ में किसी ने सौदा किया है, उसका 1 करोड़ उसके पास वसूल है, और पिछले 1.5-2-3 साल पटवारी को भी तो हिस्सा दे ना, फिर 1.5-2 पटवारी की तो अलग बात है वो अलग रिपोर्ट होगी उस पर, लेकिन यहाँ पर लोगों के काफ़ी पैसे फंसे हुए। मेरी बात का क्यों ये मामले को लटकाते हैं? रिश्वत के लिए ही लटकाते हैं, जाहिर है और तो कोई मसला नहीं होता ना, वो तो अब एंटी करप्शन का काम है, या कोई ऐसी रिपोर्ट हमें मिले जो शवायद हमारे पास मौजूद हों तो मैं उस पर रिपोर्ट चलाऊँ या हम उस पर रिपोर्ट चलाएँ, शवायद के बगैर तो मीडिया किस काम की भी नहीं है, मीडिया के पास शवायद होते हैं तो उस पर खबर चलाते हैं। कि हर तबका जो है वो इस तरह के लोग अगर कारोबार करेंगे, ये बिल्डिंग्स का काम शुरू होगा तो बहुत सारे लोगों का रोज़गार, आर्किटेक्ट इसमें आएंगे, इंजीनियर जो है उनका जो है वो काम चलेगा, इसके साथ ये जो वेल्डिंग वाले लोग हैं इनका काम चलेगा, इसके साथ ये जो प्लम्बर हजरात हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उनका रोज़गार इससे मुंसलिक है। तो इस हवाले से हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कामरान शाह साहब जो हैं, लाहौर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी का काम है, बहुत अरूज भी रहा है, कभी जवाल भी, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ना वो एक तरीका बिल्कुल अलहदा से देखा है, यहाँ पे इन्होंने जो है ना वो पूरा एक रजिस्ट्रेशन जो करवाई है, मैं इससे बहुत ज़्यादा मुतमिन हूँ कि रजिस्ट्रेशन से फ़ायदा ये होता है कि ये इनको पता है कोई 2 नंबर बंदा जो है वो किसी के पैसे लेकर नहीं भागेगा।